दोस्तों दिस इज रियलमी नार्जो 70 टर्बो। भाई इस फोन के ऊपर में डेटा ट्रांसफर का स्पीड क्या हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे आप लोगों से कमेंट करा। भाई फाइनली आज की वीडियो में इसका डेटा ट्रांसफर मैं टेस्ट करने वाला हूँ। बहुत बड़े साइज के फाइल को जो है इनसाइड एंड आउटसाइड यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे लैपटॉप के अंदर में। इसके अंदर में मैं यूज करने वाला हूँ एक गेमिंग लैपटॉप जो कि एसस का नाइट्रो 5 लैपटॉप है, एंड इसके अंदर में भी भाई फास्ट यूएसबी ट्रांसफर सपोर्ट दे के रखा है। फोन की अगर बात करें दोस्तों, फोन के अंदर में आपको UFS 3.1 का सपोर्ट के रखा है, जो कि ये स्टोरेज काफी ज्यादा स्पीड स्टोरेज होता है, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ा चलता है। एंड जीटी मोड को ऑन करके सारा टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट के लिए मैं भी एक्साइटेड हूं, आप लोग भी एक्साइटेड हो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कौन सा टेस्ट आपको कराना। भाई वो सारी टेस्ट के वीडियोस आप लोगों के लिए आ जाएंगे। भाई वीडियो को शुरू करते हैं, एंड इंस्टाग्राम ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो, हां नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है बाय द वे, टेंशन नहीं लेने का। अब इसको शुरू करते हैं, भाई टेस्ट काफी तगड़ा होने वाला है। भाई जितना भी मैं चीजें टेस्ट कर रहा हूं, भाई इसके रिजल्ट भाई अनबिलीवेबली अमेजिंग आ रहे हैं भाई, सीरियसली। कैसे इसको टेस्ट करने के लिए ये रहा फोन, एंड ये जो ओरिजिनल केबल आता है जो फोन के अंदर में आता है दोस्तों, इसी केबल का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। एक पोर्ट को मैं यहाँ पे अपने जेन 3 पे कनेक्ट कर देता हूँ, दूसरा यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कनेक्ट कर दिया। एंड फाइल साइज अगर मैं दिखाऊँ तो दोस्तों देख सकते हो, ये वाला जो फाइल है एक 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फाइल है जो मैंने जस्ट अभी रिकॉर्ड किया, 16 मिनट्स का ड्यूरेशन फाइल है, एंड 11.4 GB का फाइल साइज है। पिक्सल्स वगैरह आप देख सकते हो, भाई ये काफ़ी बड़ा साइज है, यूजली आप लोग इतना करोगे नहीं, बट ये 1 GB 2 GB करते हैं, बट 11 GB का फाइल ट्रांसफर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर मैंने ओपन करके रख लिया, एंड यहाँ पे लेके चलते हैं भाई, अभी एक और फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जो कि अपना फोन वाला स्टोरेज आएगा। बट हाँ, केबल जैसे आप कनेक्ट करोगे दोस्तों, पहले आपको जो है यहाँ से परमिशन देना होता है, चार्जिंग डिवाइस यहाँ पे करके ऑप्शन रहेगा तो इस तरह से पॉपअप आ जाएगा, एंड इस पॉपअप पे आपको जो है फाइल ट्रांसफर पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारे पास फोल्डर आ चुका है, तो इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, एंड ये फाइल यूजुअली DCMI वाले फोल्डर में रहता है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कितना जल्दी फास्ट हो रहा है, चीज़ें वगैरह काम कर रहा है। तो भाई यहाँ पे मैं फिल्टर आउट कर लेता हूँ, और ये वाला फाइल साइज देख सकते हो 11.3 GB का फाइल है। इसको मैंने कॉपी किया एंड अपना भाई फ़ोन के अंदर में ये पेस्ट है, यहाँ पे भी टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ, एंड ये किया मैंने पेस्ट, एंड ये किया मैंने टाइमर स्टार्ट। तो आप लोगों के आंखों के सामने गैस ये सारे चीज़ें आ रहा है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमर भी चल रहा है, फाइल ट्रांसफ़र भी हो रहा है, एंड डायरेक्टली ये पूरा फ़ोन से यहाँ पे कनेक्टेड है। एंड अभी जो है 20 मिनट्स हमें दिखाया जा रहा है, एंड यहाँ पे देख सकते हो जो पोर्ट में मैंने कनेक्ट किया हूँ, ब्लू कलर वाला पोर्ट में कनेक्ट किया हूँ, यूजुअली ये 3.0 को सपोर्ट करता है, फास्ट पोर्ट रहता है। मेरे लैपटॉप में गेमिंग लैपटॉप होने की वजह से दो तरह के दोनों ब्लू पोर्ट है, तो नॉर्मली सभी लैपटॉप में एक ही पोर्ट दिया जाता है। तो भाई ये फास्ट ट्रांसफर वाला ऑप्शन रहता है, तो भाई आप देख सकते हो कितना टाइम हमें देखने को मिल रहा है। ये देखो भाई 20 मिनट्स दिखाया जा रहा है, बट हाँ मुझे नहीं लगता 20 मिनट्स टाइम लगेगा, यहाँ पे एक्जैक्टली टाइम देखते हैं। तो थोड़ा इसको कंप्लीट होने देते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊँ दोस्तों यहाँ पे 16 मिनट्स दिखाया जा रहा है, बट एक्चुअली में देखो सिर्फ 1 मिनट 27 सेकेंड ही हुआ है। तो मैंने बोला ना ये फास्ट एक्चुअली में हो रहा है। भाई यूजुअली देखो अगर 1 GB 2 GB या 3 GB का फाइल रहता ना, अभी तक ये ट्रांसफर हो जाता था, एंड यूजुअली उतने फाइल का ही मैं टेस्ट करता हूँ, बट हाँ बड़े फाइल का एक्चुअली टेस्ट करने में पूरा थ्रॉटल या पूरा मज़ा या पूरा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। एंड बाय द वे यहाँ पे फोन के अंदर में आप सोच रहे होंगे तो भाई मैंने GT मोड को ऑन करके रखा है, यहाँ पे अगर मैं देखो ब्राइटनेस डाउन हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हो GT मोड एक्चुअली में ऑन है, ताकि भाई हमें ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देखने को मिले। एंड स्टोरेज में देखो डेटा ट्रांसफर में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने स्टिल ऐड कर दिया, अगर कोई लोग कमेंट करेंगे तो भाई मैंने ऐड कर दिया। 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है, एंड करीबन 30% फाइल जो है ट्रांसफर हो चुका है, एंड देखते हैं कितना देर पूरा टाइम लेता है, इसको होने देते हैं। तो करीबन ये 2.5 मिनट हो चुका है, एंड अभी भी यहाँ पे एक्चुअली इसमें 14 मिनट्स बताया जा रहा है, बट ऑलमोस्ट 40% कंप्लीट हो चुका है ये, और अभी गाइस यहाँ पे 3.5 मिनट हो चुका है, एंड 50% से भी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। बट ये जो टाइमिंग दिखा रहा है ना 10 मिनट्स दोस्तों, ये गलत दिखा रहा है, पहले देखो 20 मिनट्स दिखा रहा था, अभी 10 मिनट्स पे आ चुका है, बट एक्चुअल में सिर्फ 4 मिनट ही कंप्लीट हुआ, देख सकते हो। तो इसको कभी बिलीव नहीं करना है, ठीक है। तो भाई ये एक्चुअल स्पीड मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टॉप वॉच मैंने ऑन कर दिया, भाई देखते हैं कितनी देर में ट्रांसफर हो जाता है। तो अभी गाइस ये 4:50 यानी करीबन 5 मिनट होने को आया है, एंड यहाँ पे देख सकते हो इतना परसेंट कंप्लीट हो चुका है भाई, बस थोड़ा सा और बचा है। आई बिलीव मेरे हिसाब से 7-8 मिनट के अंदर में पूरा ट्रांसफर कर लेना चाहिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको 1 GB फाइल ट्रांसफर करने में कितना लगेगा, वीडियो के साथ में बने रहो आप लोग। एंड ये भाई साहब अपना 6 मिनट कंप्लीट हो चुका है, एंड करीबन 80% फाइल ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पे भाई 5 मिनट दिखाया जा रहा है, भाई 20 मिनट्स पहले दिखा रहा था, मैं अगेन याद दिला दूँ, और 6 मिनट ही अभी हुआ है, एंड इतना फाइल ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है।
एंड देखो ये बड़े साइज फाइल में ट्रांसफर टेस्ट करके बता रहा हूँ, बट फ्यूचर में आने वाले टेस्ट के अंदर में कोई स्पेसिफिक साइज जैसे 1 GB 2 GB 5 GB करूँ या 10 GB ही करूँ आप मुझे बता देना, तो उसके हिसाब से आने वाले वीडियोज़ के अंदर में दूसरे फोन्स को जब हम टेस्ट करेंगे तो उसके हिसाब से डेटा ट्रांसफर करेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हो 6.5 मिनट के अंदर में ऑलमोस्ट बाई 80-85% कंप्लीट हो चुका है, और जब तक 7 मिनट कंप्लीट होता है आप देख सकते हो इतना फाइल हुआ है, अराउंड 10% और बचा हुआ है यहाँ पे। एंड भाई फ़ोन अभी भी देखो कनेक्टेड है, ये रहा वायर से पूरा आप लोगों को सीधा दिखा दे रहा हूँ भाई, एंड ये रहा रिजल्ट आप लोगों के आँखों के सामने, करीबन 8 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं और थोड़ा सा बस बचा हुआ है, इसको भी पूरी तरह से कंप्लीट होने देते हैं एंड लेट्स सी एग्जैक्टली कितने टाइम में करता है ये। तो भाई आप देख सकते हो 8 मिनट कंप्लीट हो चुका है एंड बस एंड होने वाला है, 2-4% बचा हुआ है, तो भाई इस टाइप का स्पीड आपको देखने को मिल जाता है एंड होने देते हैं कंप्लीट। 25 सेकंड दिखा रहा है, 8.5 मिनट के अंदर में 11 GB का फाइल जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर 1 GB का साइज़ अगर आप दिखाना चाहो तो भाई इसको बस 11 से डिवाइड कर लो, यानी करीबन 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा अगर 1 GB का फाइल अगर आप ट्रांसफ़र करते हो फ़ोन से लैपटॉप के अंदर में। अब लैपटॉप से फ़ोन के अंदर में कितना टाइम में जाता है, भाई ये रहा स्टॉप कर दिया, तो एग्जैक्टली 9 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आप 11 से आप डिवाइड करोगे तो आपको 1 GB का फाइल ट्रांसफ़र का साइज़ हो जाएगा। यूजुअली नॉर्मल वीडियोज़ वगैरह जब आप रिकॉर्ड करोगे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होने की वजह से इतना ज़्यादा टाइम लिया है, बट हाँ अब जो है ना आप लैपटॉप से फ़ोन के अंदर में ट्रांसफ़र करके देखते हैं। ओके, तो ये रहा फ़ोन वाला स्टोरेज, तो यहाँ वाला फाइल को जो है ना मैं क्या करता हूँ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि भाई वो ओवरराइट ना हो और स्पीड में हमें जो है ना एक्चुअल देखने को मिले। देखो ये जो है ना डिलीट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ डिलीट हो गया। अब देखो इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, टाइमर को रीसेट कर लेते हैं, इसको भी स्टार्ट करते हैं, ओ थोड़ा सा सेकेंड एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है कुछ सेकेंड मिली सेकेंड का जो है ना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, ये रहा एंड अपना फाइल ट्रांसफ़र यहाँ से हो रहा है एंड सारी चीज़ें दिखाता हूँ अभी। देखो अब देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है, अब क्या हो रहा है ये लैपटॉप से फ़ोन के अंदर में एक्चुअली जो है ना फाइल को भेजा जा रहा है, सेम फाइल भेज रहा हूँ, 11 GB का फाइल है, हमें जो है ना करीबन 8.5-9 मिनट लगा 11 GB फाइल को ट्रांसफ़र करने में फ़ोन से लैपटॉप के अंदर में। अब लैपटॉप से फ़ोन के अंदर में कितना टाइम लगता है आपको कुछ ही सेकंड के अंदर में पता चल जाएगा, बाकी यहाँ अगेन 20 मिनट्स रिमेनिंग दिखा रहा है जो कि ऑब्वियसली गलत होता है। आपने देखा भाई कहाँ से कहाँ ये 20 मिनट्स दिखा रहा था, 8.5 मिनट के अंदर में जो है ना एक कंप्लीट हो चुका है, बट इसको भी देखते हैं कितना टाइम लेता है एंड आई एम श्योर कि सिमिलर सा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, बट हाँ लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट। ये वाला ना थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, करीबन 1.5 मिनट हो गया है एंड देख सकते हो भाई करीबन 30% इसने ट्रांसफ़र कर लिया भाई। यहाँ का रिजल्ट गाइस थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, देख सकते हो अभी 2 मिनट कंप्लीट हुआ है एंड भाई 50% फाइल इसने कंप्लीट कर लिया, कहाँ फ़ोन से भाई हाफ जाने में भाई ये 4 मिनट लिया था इतना होने में, बट लैपटॉप से फ़ोन के अंदर में भाई ज़्यादा फास्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है। देखा भाई रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, तो यानी अगर आपको कभी भी फ़ोन से लैपटॉप के अंदर में डालना तो भाई 1 GB का फाइल अगर भेज रहे हो तो भाई आपको हार्डली 40-50 सेकेंड लगेगा एंड वही चीज़ अगर आप लैपटॉप से फ़ोन के अंदर में डालोगे तो भाई वही 1 GB का फाइल आपको हार्डली 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा, तो भाई ये है, बट हाँ पूरा कंप्लीट होने देते हैं एक्चुअल में हमें नंबर पता चल जाएगा ये। वेल गाइस 3 मिनट कंप्लीट हो चुका है एंड अराउंड 70-75% जो है ना फाइल ट्रांसफ़र हो चुका है अभी तक। एंड भाई जब तक ये फाइल ट्रांसफ़र कंप्लीट होता है आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग सपोर्ट करोगे तो और भी ऐसे डिटेल वाले जो आपके डिमांड रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग टेस्टिंग कर पाएंगे भाई। बट हाँ रिजल्ट तो भाई काफ़ी इंप्रेसिव है, नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट देखने को मिल रहा है भाई यहाँ पे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ना आपको जो 3.1 का जो सपोर्ट दे के रखा है स्टोरेज टाइप, यहाँ पे रिजल्ट हमें क्लियर देखने को मिल रहा है भाई, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो भाई देख सकते हो अभी 4 मिनट कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे भाई 90% से ऊपर चला चुका है, यानी कि लैपटॉप से अंदर जाने के लिए अगर आप फ़ोन के अंदर में स्टोरेज कर रहे हो तो भाई आधा टाइम लगेगा और वही फ़ोन से अगर लैपटॉप में डालते हो तो भाई थोड़ा सा दुगना टाइम लगेगा भाई, आप देख सकते हो क्योंकि क्लियर विनिंग है, देख सकते हो बस थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ सेकंड का ही हेयर फेयर है, बस उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा एंड इसके हिसाब से भाई जो रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है एंड भाई रियलमी ने भाई आप देखो कंप्लीट कर दिया, तो करीबन 4.5 मिनट के अंदर में भाई इसने पूरा फाइल को ट्रांसफ़र कर लिया, तो भाई स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेटर है, अच्छा लगा ये स्पीड देख करके, जिसकी वजह से हमें गेमिंग एंड ओवरऑल स्टोरेज का स्पीड होने की वजह से ना परफॉर्मेंस में भी अच्छा देखने को मिलता है। तो भाई ये रहा रिजल्ट, आप लोग बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगला नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टेस्ट आप देखना चाहते हो कॉमेंट सेक्शन में बता देना, इंस्टाग्राम ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हो, डील्स के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आएंगे, कौन सा नेक्स्ट फोन को हम टेस्ट करें वो भी बता देना, बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।